तो मैं चाहता हूँ कि अब जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले इस चीज़ के बारे में। लोग कैंपस टूर की वीडियोस डालते हैं और अपने डिपार्टमेंट की वीडियोस डालते हैं, तो बीवीडी से रिलेटेड मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन करेक्टली मिल नहीं पाई थी अच्छे से। कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो, जो भी बीवीडी से रिलेटेड, जो भी आना चाहता हो बीवीडी में या पहले से पढ़ रहा हो, जो फ्रेशर हो और उनको किसी बात की प्रॉब्लम आ रही है बीवीडी में। ये देखो पंजाबी तड़का खाते हुए मुझे बरामद हुई है मेरी गली में लड़की। ये देखो ये लगी धूम मचा रहा है। उतर जा मौका है, मैं बता रहा हूँ। उतर जा, मेरी गली बहुत खराब है। जो लोग बिहार यूपी से होंगे उनको पता होगा लिट्टी चोखा वाली क्या है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे न्यू ब्लॉग। आज मैं आ गया हूँ कॉलेज और कॉलेज में क्लासेस चलने वाली है, तो जा रहे हैं सजावट क्लास में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, ये जो भी न्यू एडमिशन लेने वाले हैं बीवीडी में उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है? तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस ये है रेनेसा के एग्जीक्यूटिव सर। सर प्लीज, आज तो लग रहा है एग्जीक्यूटिव। बाल देखो कितना बड़ा बड़ा कर लिया जुल्फी के हाल में। फिर मैं ऐसे करूंगा बेटा, घर पे यही जुल्फी खींची जाएगी तेरी। सही से दिखा, सही से दिखा ना। अरे भैया कती कती जहर लग रहा है तू, कती जहर। इस क्लास में चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, पता नहीं एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी छोड़ेंगे थोड़ी ना क्लास, चलेंगे। तो गाइस क्लासेस आर डन, अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, कुछ काम है मुझे दोस्त के रूम पे, वहाँ जाऊँगा, उसके बाद वापस से फिर से कॉलेज आएंगे। इन लोगों के पास क्यों जा रहे हो बता दो, दोस्त क्या क्यों जा रहे हो, थोड़ा सा काम है, नहीं बता सकता। तो गाइस यहाँ मेरा काम हो चुका है, फटाफट चलते हैं कॉलेज वापस, मिलते हैं अंजोलिका और अनुज से, उनका थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। और उसके बाद यार हाँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है कॉलेज के बारे में, जिसको न्यू एडमिशन लेना है उन लोगों से। तो पहले उन लोगों से मिलते हैं चल के, उसके बाद रूम पे चलूँगा, आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? चलो इस बार चलते हैं। तो गाइस अनुज और अंजोलिका तो कॉलेज से निकल के मेरे रूम पे पहुंच गए हैं, मुझे कॉल किए हैं अभी, तो मैं भी घर पे जा रहा हूं वापस से, कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग तो चले गए हैं। और चलो रूम पे चलते फिर बात करते हैं, भूख बहुत तेज लगी है, पहले कुछ खाने की व्यवस्था करूँगा, तब देखते हैं आगे क्या बात करनी है। गाइस ये देखो पंजाबी तड़का खाते हुए मुझे बरामद हुई है मेरी गली में लड़की। ये देखो ये लगी धूम मचा रहा है। अनुज बहुत टाइम बाद लौटा है आज लखनऊ, अभी घर गया हुआ था, तो साले ये टाइम पास करेगा मेरे रूम पे जाके। आराम से गिर मत जाइयो बे, तुम बैठो, तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे। इतना ख्याल रख रहा है, पैर गंदे हो जाएंगे। और साले मेरा क्या, मेरा क्या, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बचाओ, बचाओ नहीं। देख रहे हो ऐसे दोस्त होते हैं, साला मुझे छोड़ के चला गया, उसको उठा के ले गया। उतर जा मौका है, मैं बता रहा हूँ, उतर जा, मेरी गली बहुत खराब है, मौका है अभी भी, लाइव मत गिर जाना तुम लोग। देसी स्टाइल खाने का अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे खाता है ये लौंडा। ये देखो शाम को बनाई थी मैंने भेलपुरी, वही रखी थी, लड़के को दिया, कैसे चाव से खा रहा है देखो। इस लड़की ने देखो फिर कपड़े पहन लिए मेरे, मानती नहीं है ये, मेरे हैं ये। अच्छा हाँ, तुम्हारे नहीं है, तो तुम्हारे ही क्या, तो टी-शर्ट ही छोड़ गई थी क्या, ले आई थी बैग में रखकर। तो गाइस मेरी प्यारी बालकनी, चलो मैं जरा चेंज वेंज कर लूँ, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने का सीन बनाते हैं, उसके बाद अपना बात निपटाते हैं। तो गाइस लिट्टी बना रहे, लिट्टी ये देखो, ये हमारी नई बावर्ची है, इसी सीखे हैं, अब इसकी हेल्प कर रहे हैं बनाने में, खुद की भी शक्ल निकाल लेगा। जो लोग बिहार यूपी से होंगे उनको पता होगा लिट्टी चोखा वाली क्या है। ये लिट्टी बन रही है, ये लड़की इतनी मेहनत कर रही है, और ये देखो नीच लड़का, ये बड़ा फोन चला रहा है, इसे शर्म नहीं आ रही, साले कम से कम यूनिफॉर्म चेंज कर लेता, मेरे कपड़े डाल लिए होते। नहीं भाई नीच कहीं का, मैं इसमें अच्छा लग रहा हूं। भाई जब तक लिट्टी बन रही है तब तक मैं आपको जो भी मुझे बताना था, जो भी चीज़ें क्लियर करनी थी वो मैं कर देता हूँ। तो सीन ये है कि मैं बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ बीवीडी के ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो, जिसमें एक वीडियो स्पेसिफिक रहेगी जो होटल मैनेजमेंट के ऊपर रहेगी, जिसमें मैं सब कुछ बताऊँगा होटल मैनेजमेंट में कैसे एडमिशन लेना है,
कैसे क्या है, हमारा डिपार्टमेंट कैसा है, सारा पूरा टूर दूंगा उसमें मैं। और एक वीडियो और उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे बीबीडी में किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर रहता है, बीबीडी यूनिवर्सिटी के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सबके मैं आंसर दूंगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है जो भी है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना, मैं ट्राई करूंगा सारे के सारे जितनी भी आपकी क्वेरी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने का कोशिश करूंगा। और जितनी मेरी नॉलेज है और जितना मैं सोर्सेज से गेन कर सकता हूँ नॉलेज सारी लेके हर चीज़ का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो अगर इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, बीबीडी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी लेनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो जब भी आए उससे रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो दैट्स इट, यही मुझे बात बतानी थी और मैं बहुत ही जल्दी कवर करने वाला हूँ ये वीडियो। मेरी नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी वो इन्हीं टॉपिक्स पे आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आती है मेरी तो लाइक कमेंट कर लो। और कमेंट में बता देना, ठीक है, कि कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो जो भी बीबीडी से रिलेटेड, जो भी आना चाहता हो बीबीडी में या पहले से पढ़ रहा हो, जो फ्रेशर हो और उनको किसी बात की प्रॉब्लम आ रही है बीबीडी में, तो मेरे को कमेंट में बता दे, मैं कमेंट में उसका आंसर कर दूंगा। कमेंट में नहीं, एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा सारी कमेंट्स के सारे आंसर की, एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही मुझे बताना था, तो इस पर काम करते हैं। चलो कमेंट कर देना जो भी तुम्हारी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, और चलो आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में। अपनी लिट्टी बन रही है अभी, वो बॉयल हो रही है, उसके बाद उनको खाएंगे फ्राई करके, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं क्या होता है दिन भर में। आज वेज बिरयानी खा रहा है लड़का से, भाई साहब लिटरली किसी काम का लड़का नहीं है, सिर्फ यहाँ खा रहा है, फ़ोन चला रहा है, मौज काट रहा है। वो देखो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं अंश की मेहनत ये देख के। अंश, तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज़्यादती की, तुमको कल घर से भगाया मैंने, तुम्हारी तरह नहीं होना। आई एम नेवर बी सॉरी फॉर दैट। कल ये लोग थे यहीं पे रूम पे मेरे, कल वाला ब्लॉग नहीं देखा तूने, ये लोग वैसे यहीं पे एकदम डेरा जमाए थे। तो गाइस लुक एट मी, गाइस लुक एट मी, दिस इज गुगलू विद मी। ये लोग गाइस लो भाई, उतार दे यूनिफॉर्म, नहीं लग रहा तू एग्जीक्यूटिव, रुक जा एक मिनट, तू भाड़े का ओडीसी लग रहा है होटल वाला। रुको अभी लगूंगा, बेस लगा दूं, एग्जीक्यूटिव नहीं लगूंगा भाई, इसका असिस्टेंट मैनेजर। बेस दिखा, बेस दिखा, बेस दिखा, बैच दिखा भाई, रेनेसा का बैच है, बहुत महंगा, 150 का बैच है, रेनेसा वाले इसका भी पैसा लिए थे, मेरे पास भी रखा है रेनेसा का बैच। तुम्हारा वाले यहां भाई, दिस इज गुगलू, आज गुगलू को थोड़ा धूप में निकालते हैं आज। हे गुगलू, हे गाइस, कैसा लग रहा है गुगलू हमारा, धूप में चमक रहा है ना। हमारी लिट्टी फ्राई हो रही है अभी, मुंह में मेरे पानी आ रहा है। ये लड़का देखो, बहुत गंदा हो गया था यार, बहुत टाइम से सफाई नहीं करी मैंने। ये देखो, देख रहे हो, कॉपी से नहीं करना है बैल, इसे ये ब्लैंक ये उठाओ, इसे झाड़ दो, अच्छा लग रहा है यार, ये ले रहा हूँ मैं, यह बैग है मेरा नहीं है। तो भाई नहीं, इससे नहीं हो रहा है, नहीं इससे हो ही नहीं पा रहा है काम भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, कर लो फिर, मैं करूँगा, मैं खुद ही करूँगा गाइस, मैं खुद ही कर लेता हूँ। अरे गुगलू उठाओ वहाँ से ना। तो गाइस मैं खुद ही जा रहा हूँ करने, तो इसके बस की कुछ नहीं है भाई। ये देखो, ये पड़ा है, ये देखो जिंदगी में कितना अकेला है बेचारा, गुगलू के ऊपर पड़ा है। गाइस चॉय आ गई है, चॉय, और आ गई है लिट्टी भी साथ में। देखो जाके देखो, जाके देखो, एक ही खाओगे क्या? तुम बेटा, तुम गैर बिरादरी का, तुमको नहीं खिलाएंगे एक मैं नहीं खाऊंगी, चटना चट। हम लोग की समोसे की चटनी बची हुई है देखो, वो भी खाएंगे इसके साथ हम। यार मेरा पता नहीं क्यों पूरा मैं पानी आ रहा है गाइस, खा पी के मिलते हैं, बाय बाय, कल रात को दोनों गाइस। ये रही हमारी लिट्टी, ये खाने वाले लोग कैसे खा रहे हैं देखो, मैं भी खा रहा हूँ गाइस, मज़ा आ गया, बहुत मस्त बनी है। और साथ में चाय है तो और ज्यादा मजा आ रहा है। शाम का स्नैक्स हो गया हमारा, लंच स्नैक्स ब्रेकफास्ट सब एक ही हो गया। सही बात है, सुबह सब खा ही रहे हैं तो लंच ब्रेकफास्ट और शाम की हाई टी के जो स्नैक्स होते हैं वो भी यही हो गए। अब बस
डिनर बाकी है, वो भी ये बचेंगे भी, डिनर में ही खाएंगे। तो गाइस खाना पीना हो गया है, अब फिलहाल आराम करने का टाइम है, लेकिन उससे पहले आओ आज अपनी मछलियों से मिलवाते हैं। बहुत देर होगी मिलाए नहीं इसी से मैंने इसको, ये देखो छोटी छोटी सी है। कोई अगर गिन पा रहा हो इसमें से तो गिन के बता दे कितनी है। मैंने अगर फ़ोटो खींचे गिनती करने की कोशिश की थी तो मुझे 37 मिली थी। तो कोई अगर स्क्रीन शॉट लेके गिन सकता है तो प्लीज़ हेल्प मी, एक बार गिन के बताओ कितनी है। और इसमें है मछलियों के बच्चे, अगर देख पा रहे हो, दिख रहे हो तो दिखे दिखे, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं चींटी जितने। और हाँ गाइस, ये लोग तो चले गए हैं लेकिन एक चीज़ बच गई मेरी खाने को, मैंने इन लोग को नहीं दी है, वो है मेरी, गाइस दिख रहा होगा तो, बालूशाही। अब मैं खाऊंगा बालूशाही अकेला। तो गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मीठा खाना कम कर रखा है इसीलिए मैंने किसी के सामने नहीं खाया, सबको पता है मैं डाइट कर रहा हूँ, मीठा कम खा रहा हूँ। हाथ धुल लेते हैं ज़रा। बाकी की बाद में खाऊंगा। तो कल का ब्लॉग अगर देखा होगा तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था यहाँ पे, तो उस वजह से हमारे फूल खिले हुए नहीं थे, लेकिन आज धूप निकली और देखो फूल कैसे खिले हैं। ये सिर्फ धूप में ही खिलते हैं, इतने सुंदर लगते हैं ये धूप में, सिर्फ धूप में ही खिलते हैं। तो गाइस ये हमारा जंगल धूप में ऐसा लगता है, बहुत चिलचिलाती धूप है यार बहुत ज़्यादा। तो गाइस खा पी लिया है, अब फिलहाल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज का ब्लॉग बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि सबको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है बीबीडी से रिलेटेड। और हाँ, जो भी जब मैं एडमिशन लेने वाला था बीबीडी में, तब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके आंसर कोई दे नहीं पा रहा था, तो उन आंसर्स के लिए मैंने बहुत रिसर्च करी थी, बहुत यूट्यूब पर सर्च किया था, तो एग्जैक्ट आंसर्स मुझे मिल नहीं रहते। ज़्यादा लोग कैंपस टूर की वीडियोस डालते हैं और अपने डिपार्टमेंट की वीडियोस डालते हैं, तो बीबीडी से रिलेटेड मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन करेक्टली मिल नहीं पाई थी अच्छे से। मैं एग्जामिनेशन सेल में गया था, उनसे बात की थी मैंने डायरेक्ट, आके मुझे एडमिशन लेना पड़ा था, लेकिन एडमिशन लेने आने से पहले, लखनऊ आने से पहले मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन थी नहीं उसके बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले इस चीज़ के बारे में, तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं। मोस्टली लोग मुझसे पूछते रहते हैं मेरे ब्लॉग्स में, क्वेश्चन करते रहते हैं, मैं उनका आंसर करता हूँ रिप्लाई, लेकिन ये जो कमेंट्स आएंगे उनका मैं वीडियो में रिप्लाई करूँगा अच्छा खासा। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, एक दो दिन के जितनी भी कमेंट्स हैं, मैं सबका आंसर दूंगा। तो गाइस अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो कमेंट कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नेक्स्ट टाइम पे तुम्हारे पास वीडियो पहुंच जाए, सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सो गाइस आज के ब्लॉग में यही ख़त्म करता हूँ। ओके टाटा बाय बाय, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।